अमृत, तुम्हें वल्लभगढ़ जाने के लिए यही शॉर्टकट मिला था क्या? नताशा, घबराओ मत। बचपन में मैं इन्हीं जंगल के रास्ते से मामा जी की हवेली जाता था। मुझे रास्ता मालूम है, और वैसे भी मामा जी 70 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। अब इतने बड़े जैकपॉट के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। पर कहना पड़ेगा, लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं सिर्फ एक जैकपॉट लगाने के लिए, और तुम्हें घर बैठे ही इतनी बड़ी एस्टेट गिफ्ट में मिल गई। 70 करोड़, लकी यू। ये पत्थर किसने यहाँ फेंके? कुछ नहीं है। Yeah.
पहले भेड़, फिर बकरी, फिर इंसान, वो भी कबर साका सगा भांजा। राजमाता, पिछले 15 दिनों में 5वां हमला से उसका। तो आप सब लोग हमारे पास क्यों आए? अब जंगली जानवरों से निपटना भी क्या रियासत के रजवाड़ों का काम रह गया है? फतेह सिंह जी, आपको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है? तनख्वाह तो इंसानों की सेवा करने की मिलती है राजमाता जी, बट दिस मर्डर नॉट बाय इंसान बट बाय हैवान। तावीज? किसका तावीज है ये? हुकम, ये आपकी भांजे के लाश के पास पड़ा हुआ मिला, ये उसी का है जी, वो बुलवा। बुलवा हमारे भांजे अमृत को क्यों मारेगा? कोई डायन का शराब सच हो रहा है हुकम। बनाओ बनाओ और औरों को अपना वारिस। जबकि इस रियासत का असली वारिस यहां सबके सामने खड़ा है। ये घड़ी तो छोटे कुंवर की है। जानवर कहीं का? तू तो गया बुलवा। सुनीता जी, आपको लगता है कि आपकी भाई की मृत्यु का कारण कोई जानवर नहीं बल्कि साजिश है? क्यों ऐसा लगता है आपको? कैसी साजिश? जी, जोधपुर से 80 किलोमीटर दूरी पर मेरा ननिहाल है वल्लभगढ़, जहाँ पे मेरे मामा कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह की हवेली और जमीन है। तकरीबन 70 करोड़ की जायदाद है उनकी। उनका कोई वारिस नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे छोटे भाई अमृत को फोन किया और उसे वल्लभगढ़ बुलाया ताकि वो उसे उनका वारिस बना सके। पर पता नहीं, अचानक रास्ते में किसी ने
अनीता भाभी, वो ना कोई इंसान था ना कोई जानवर, वो एक दरिंदा था भाभी। मैंने उसका हाथ देखा था, उसका वो पंजा भाभी। कम ऑन नताशा, इस टाइम और एज में दरिंदा कहाँ से आया? मुझे तो लगता है ये सब उनकी चाल है ताकि सारी जायदाद उनके पास आ जाए। किसके पास? मेरे मामा जी की सौतेली माँ राजमाता सिद्धि देवी के पास। लेकिन अनीता जी, पुलिस ने तो इस केस में किसी लकड़हारे बुलवा को गिरफ्तार किया है। ये एक्चुअली सब राजमाता की चाल है, पूरा वल्लभगढ़ उनके ही इशारों पे चलता है। अमृत को भी उन्होंने ही मरवाया। अब प्लीज ये केस लेकर जल्द से जल्द उन तक पहुँचिए, इससे पहले कि वो किसी और की जान ले ले। भाभी प्लीज, आप वहाँ पे नहीं थी, मैं थी। सर, अमृत को एक दरिंदे ने ही मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सर। Well, मैं भी देखना चाहूंगा। वैसे भी इंस्पेक्टर दवे और मैं जयपुर जा रहे थे, तो लौटते समय वल्लभगढ़ होते हुए आएंगे। क्यों दवे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन केडी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ तो। हाँ, वल्लभगढ़ में ड्यूटी तो तेरी नहीं, मेरी लगेगी। अब बाय द वे, थैंक्स फॉर द चॉकलेट्स, माय फेवरेट। केडी पाठक साहब, चलो इसी बहाने आपसे भी मुलाकात होगी। आई एम ए बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूँ। खैर चलो, बुलवा को मिलवाने से पहले मैं आपको वल्लभगढ़ के मंदिर में माथा टिकवाता हूँ। खम्मा, केडी साहब, ये है आपका मंदिर। हमारा नाम महिपाल सिंह, एडीसी ऑफ कुमार अभिमन्यु प्रसाद सिंह। हमने ही कहा था फतेह सिंह जी से कि सबसे पहले आपको यहाँ लेकर आए ताकि आप सच्चाई जान सके। अच्छा, क्या है सच्चाई? वो आदमी जिसे आप बचाने आए ना केडी साहब, दरअसल वो एक आम आदमी नहीं है, एक दरिंदा है। दरिंदा, एक डायन का बेटा। वो दरिंदा है और उसकी माँ डायन। जानता था, अब शहरी लोग इसको मजाक समझोगे, पर पाठक साहब वल्लभगढ़ का बच्चा बच्चा इस इतिहास को जानता है। भुलवा को सब दरिंदा बुलाते हैं, एक ऐसा दरिंदा जो जब चाहे अपनी मर्जी से एक खूंखार जानवर का रूप बनाकर दरिंदा बन जाता है। दरिंदा ऐसी? भाई हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं केडी साहब कि आप इस बुलवा को ना बचाएं, क्योंकि शैतान को बचाकर आप वल्लभगढ़ को बहुत खतरे में डाल देंगे। और हम तो आपसे सिर्फ इतनी विनती करते हैं कि आप ये केस हाथ में ही ना लीजिए। और मेरी आपसे विनती है महिपाल जी कि मुझे एक मौका दीजिए सत्य तक पहुंचने का। अब इतनी दूर आया हूँ, बिना कुछ किए चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वैसे चिंता मत करिए, आपके वल्लभगढ़ में जितने दरिंदे हैं या परिंदे हैं सबका पर्दाफाश करके जाऊंगा। अगली भेंट अदालत में, और राजमाता जी को मेरा प्रणाम कहना। उफ, आज फिर निशाना लगते लगते रह गया। क्यों महिपाल जी? ये रणबीर सिंह कुंवर साहब के बड़े भाई का बेटा, मतलब उनका भतीजा, बट आपस में घोर एनिमिटी, घोर दुश्मनी। ये तो पक्षियों से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। रणबीर सिंह जी, आईपीसी धारा 428-429, पशु पक्षियों का शिकार करना गैरकानूनी है। वल्लभगढ़ में किन किन कानूनन जुर्म को रोकेंगे वकील साहब?
धाराएं लगाते लगाते थक जाएंगे। क्यों महिपाल जी? बड़ा अच्छा लगा आप सबसे भेंट करके। अदालत में मिलते हैं, चल दे। शक सही था, वो केड़ी पाठक ही है। क्या बात है, बहुत सुंदर चित्रकारी अच्छी लगती है तुम्हें। बुलवा ये बताओ, तुम जानते हो तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? का कारण तुम्हारा रूप तुम्हारा रंग नहीं है, तुम्हें अमृत नामक व्यक्ति के हत्या के आरोप में यहां लाया गया है। तुमने मारा है किसी को? मारा है? शेखावत, नवल किशोर शेखावत। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपना नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में महाराज नाम नहीं भूल पाएंगे। जब भी आपकी पहली हार का जिक्र होगा ना, तो लोगों की जबान पर मारा नाम जरूर आएगा। के डी पाठक। वैसे जस्ट द सेक ऑफ माई नॉलेज, आपके इस के डी का फुल फॉर्म क्या हुआ? अद्भुत बात है, प्रश्न पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, वही प्रश्न आप भी पूछ रहे हैं। अब आज तक तो किसी को बताया नहीं, आपको पहले ही भेंट में कैसे बता दूं? चलिए बताऊंगा। अगर ये केस आप जीतने में सफल हो गए तो श्योर। मुलजिम को अदालत में लाया जाए। मुलजिम बुलवा हाजिर हो। एक मिनट। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ। अब छोड़िए, ये तुम्हें ये खट्टी मीठी गोलियां बहुत पसंद है ना, लो ले लो ले लो, आओ आओ, छोड़ दीजिए, छोड़ अच्छा, यहां आ जा। बस अभी शांति से यहीं खड़े रहना, अगर किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे कहना, मैं वहां बैठा हूं, ठीक है? बुलवा, लकड़हारा,
बल्लभगढ़ के जंगलों में रहने वाला, न कोई घर, न परिवार, न धनी, न धुरी, एकदम सीधा सा टावर का जैसा, बच्चे का जैसा। लेकिन हुकुम सा, सीधा साधा और नादान तो चीता भी होता है, भेड़िया भी होता है, लेकिन होते हैं वो खूंखार शिकारी। आई बात समझ में? हुकुम सा, मैं आपका ध्यान 2 हफ्ते पहले बल्लभगढ़ के जंगल में जो घटना हुई उसकी तरफ दिलवाना चाहता हूँ। मुखराम चरवाहा अपनी 20 बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ गया, वापस लौटा तो 19 ही बकरियां थी। एक बकरी को पूरी तरह से मार दिया गया, उसकी लाश नोची हुई खाई हुई मिली। कहाँ मिली हुकुम? इसकी झोपड़ी के 10 कदम दूर। लोगों ने सोचा चलो भाई बकरी का मामला है, छोड़ दो, भूल जाओ, माफ कर दो इसको। लेकिन हुकुम 3 दिन बाद फिर एक घटना घटी। रतनलाल अपने 2 बैलों को लेकर के जंगल की तरफ गया, उसके 1 बैल की हत्या कर दी गई। ऐसे ही उसकी लाश भी खाई हुई, आधी मारी हुई, कटी हुई मिली। कहाँ मिली? इसकी झोपड़ी से 10 कदम दूर। पल्लभगढ़ के जंगलों में रहने वाले इस पुलवा के पता नहीं क्या खुराक है हुकुम, भेड़ बकरी भैंस गाय। लेकिन हुकुम अब तो हद ही हो गई, इस बुलवा के मुंह पे खून लग गया है, खून, इंसान का खून, आदमखोर हो गया ये। इक्कीस मई की रात को अमृत राठौड़ अपनी दोस्त नताशा पुरी के साथ उस जंगल से गुजर रहा था। हुकुम सा, उसके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला। उस हमले में उसकी मौत हो गई। और वो हमला कहां हुआ हुकुम? इसकी झोपड़ी से 10 कदम की दूरी पे। इतना ही नहीं हुकुम, पुलिस को जंगल की तलाशी में इसकी एक कुल्हाड़ी मिली, इस पर अमृत सिंह का खून लगा हुआ था और इसकी उंगलियों के निशान थे। हुकुम सा, पुलिस ने जब इसको थर दबोचा, पुलिस को ये घड़ी मिली हुकुम, ये घड़ी अमृत सिंह के हाथ की घड़ी। एक खास सबूत मैं आपके सामने और पेश करना चाहूंगा। लाश के पास से यह लॉकेट मिला। मारूं ना रहूं? ये तावीज मारा आशीर्वाद बनके हमेशा थारे साथ रहेगा। अनुरोध करता हूँ कि बुलवा की लॉकेट उसका तावीज उसे लौटा दिया जाए। तुम ये कैसे हो सकता है? योर ऑनर, आज सभी डांस है, ये नहीं हो सकता। योर ऑनर, इस समय उसे नियंत्रण में लाने का यही एक यत्न है, प्लीज योर ऑनर। ओके ओके, सुनवाई के बाद उसे वापस ले लीजिएगा। शांत शांत शांत। आ जाओ तुम। योर ऑनर, शेखावत जी ने बड़ी सुंदरता से, बड़ी ऊर्जा के साथ ये दलील रखी, ये दावा किया कि बुलवा ने ही अमृत सिंह जी की हत्या की है। किंतु हम सबको ये बताना भूल गए कि अमृत सिंह जी की हत्या हुई कैसे।
आपको आपत्ति ना हो तो मैं बता दूं अदालत को। धन्यवाद योर ऑनर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अमृत सिंह जी के देह पर जगह जगह खरोंच के निशान पाए गए। स्पष्ट है योर ऑनर कि ऐसे निशान केवल एक जंगली जानवर के पंजों से ही मिल सकते हैं। ऐसे नुकीले पंजे जिनसे उनके गले की नसें चिर गई थी, उनके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए थे। ये कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर उनके देह की, मैं चाहता हूं कि आप देखें। अमृत की जान बुलवा ने नहीं, किसी जानवर ने ली है। एब्सोल्युटली योर ऑनर, यही कहना चाहता हूं मैं। स्पष्ट है योर ऑनर, इंसान हो नहीं सकता, जंगली जानवर ही होगा। हुकुम साहब, तीन पहले वन विभाग ने एक सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट मैं हुकुम की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट के हिसाब से जंगल में उन्हें नील गाय, खरगोश, हिरण, सांप, चूहे, बिल्ली, इस तरह के जानवरों की नस्लें मिली हैं। अब हमारी ये बात समझ में नहीं आती हुकुम की इसमें से खूंखार कौन है, खरगोश, और हैवान कौन है, बापड़ा हिरण। आई बात समझ में? अब इस बात को समझने के लिए योर ऑनर, मैं अमृत सिंह जी की महिला मित्र नताशा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। नताशा जी, ध्यान से देखिए, क्या यही है वो जिसने अमृत पर हमला किया था? नहीं सर, सर वो कोई जानवर ही था। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, पर उसके उसके लंबे नुकीले पंजे थे। उसका बदन बालों से भरा हुआ था सर। सर वो कोई दरिंदा ही था। यही वो दरिंदा है जो अपनी मां के देवश्राप को पूरा कर रहा है। आप कहते हैं कि अमृत को एक जानवर ने मारा है, और आप कहते हैं कि अमृत को इस बुलवा ने मारा है, और हम कहते हैं कि आप दोनों ही सही हैं। ये एक डायन का बेटा है, डायन का बेटा जो अपना रूप बदलकर इंसान से जानवर बन जाता है और फिर लोगों का शिकार करता है। राज माता जी, क्या नादान सी बातें कर रही हैं आप। रूप बदल लेता है, जानवर का रूप लेता है, क्या क्या आखिर इस बच्चे से, इस लड़के से दुश्मनी क्या है आपकी? दुश्मनी तो इसकी है हमसे, हमारे वंश से, कुंवर अभिमन्यु सिंह से। कुंवर साहब से इसकी दुश्मनी है? क्या दुश्मनी है, कैसी दुश्मनी है बताइए। अरे बोलिए ना राजमाता जी, आपके इस दावे का कोई तो आधार होगा। इस घटना के बारे में अगर कुंवर अभिमन्यु सिंह खुद अपने आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी आज से 27 साल पहले हम वल्लभगढ़ के जंगलों में शिकार करने के लिए गए थे। वहां एक जानवर के हमले से हम एक बंजारन लड़की ने बचाया था। हमें उससे प्यार हो गया, और वो भी इस हद तक कि हम उससे शादी करना चाहते थे। उस दौरान गांव में लोगों की मौतें होने लगी, फिर हमें उसका एक कारण पता चला, कजरी, जो बंजारन के रूप में एक डायन थी जो लोगों की बलि चढ़ाती थी। ए, पकड़ो इसको। छोड़ मारने, छोड़ो, अरे छोड़ो, लेके चलो इसको, छोड़ो मारने, छोड़ो, छोड़ो मारने, छोड़ो, पकड़ो इसको। क्या हो रहा है ये? ओ, तो ये है वो लड़की जिसे आप हमारे रियासत की कुलवधू बनाना चाहते हैं, एक बहरूपिया।
डायन जो इंसानों को मौत के घाट उतारती है। ना, ये सब झूठ बोल रहे। मैं कोई डायन नहीं। झूठ बोल रहे हैं? ये क्या है? और बिरजू की लाश तेरे घर के बाहर कैसे मिली? और तो और हुकुम, इसके घर से हमें टोने टोटके का सामान भी मिला है। हाँ हो हुकुम। ये तो हमारी अंगूठी है। देख लिया ना आपने? अब समझ में आई ना आपको हमारी बात? ये जादू करने वाली एक डायन है। डायन टोना टोटका करके आपको अपने वश में करना चाहती है। ये आपकी रियासत हड़पना चाहती है। ये सब सामान महाराणा, ये मारे को फंसाने के वास्ते और थारे को मारे से दूर करने के वास्ते सब कर। मैं कोई डायन ना हूं, मैं कोई डायन ना हूं, बंजारण हूं। बंजारण तो ये क्या है? क्या है? ये चिन्ह शीतलपुर में रहने वाली डायनों का चिन्ह है। ये इसकी वजह से चार जाने गई हैं। हुकम आप ही कोई उपाय कीजिए। हुकम अगर आपने ऐसा ना किया तो ये हमें ना छोड़ेगी। हुकम एक विनती है आपसे, आपको अपने प्यार का बलिदान देना होगा हुकम, वरना ये सारे बल्लभगढ़ का बलिदान होगा। अरे इससे पहले ये लोग तुम्हारी जान ले ले, चली जाओ यहाँ से ना। हमेशा के लिए चली जाओ यहाँ से। ना अभिमन्यु, ऐसा ना कर। मारे पेट में धारी निशानी, सारी औलाद है ऐसा ना कर। वाह वाह वाह, ये नया षड्यंत्र रचा है। देख लिया ना आपने, अपने बच्चे का वास्ता देकर ये आपकी रियासत में पंजे गड़ाना चाहती है। देखा ना किस हद तक गिर सकती है डायन। ले जाओ इसे यहाँ से, और ये अगर दोबारा यहाँ दिखाई दे तो स्कूल का भविष्य इस डायन की औलाद नहीं हो सकता। दफा हो जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे यहाँ से। मारे वास्ते नहीं तो अपने औलाद के। मैं डायन ना हूँ। मारे साथ ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। मारे को जड़े नहीं हो, मैं कोई डायन ना हूँ। ले चलो सर। मारी नहीं तुम अपने औलाद। अद्भुत बात है कुंवर साहब, चंद लोगों के बहकावे में आकर आपने एक महिला को, अपनी प्रेमिका को डायन मान लिया। अद्भुत बात है। हम डर गए थे उसकी असलियत जानकर, और जब हमें उसके पेट में पल रहे बच्चे का पता चला तो तत्पश्चात क्या हुआ? कई महीने बीत गए, कजरी की कोई खबर नहीं मिली। फिर एक बार वो हवेली लौटी, पहली और आखिरी बार, ठीक हमारे शादी से एक महीना पहले। कुंवर अभिमन्यु, आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि आप हमारी भतीजी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। देखिएगा, इंदुमती आपको हमेशा खुश रखेगी। अब तो इस घर में शहनाइयां बजने का इंतजार है राजमाता। पूरे वल्लभगढ़ को दुल्हन की तरह सजा देंगे, चारों तरफ ढोल ताश नगाड़े और खुशियां ही खुशियां होगी। छोड़ छोड़ मने। ब्याह बहुत बहुत मुबारक हो कुंवर अभिमन्यु सिंह। कजरी, अरे घबराना, मैं थारे से कुछ ना चाहती। थारे औलाद को थारे से मिलवाने लाई हूँ। थारे को छोड़ा हुआ है। डायन, किसी और का पाप हमारे सर मढ़ना चाहती है। इन लोगों के इल्जाम से मैं तो बचती रही, लेकिन मारे बाद मारे औलाद का क्या होगा? थारे छोरे का क्या होगा? तू तू बड़ी मुझे ठुकरा दे, लेकिन लेकिन अपने छोरे को अपना ले। मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं थारे से अपने औलाद के हक की भीख मांगने आई थी, थारे छोरे के हक की। तूने तो खैरात दे दी। ये मारा नहीं, ये मारे औलाद का पण जो मैं कतई बर्दाश्त ना करूं, कतई नहीं। भाईपाल जी, बाहर निकालो इस डर को। याद रखना, याद रखना अभिमन्यु सिंह,
तूने थारे से जो हक छीना है वो थारा छोरा एक दिन जरूर लेने आएगा। इस रियासत को मारे अपना हक लेने आएगा, हक लेने आएगा, और जो भी उसके और जो आया उसे खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। यही मारा इंतकाम होगा, मारा इंतकाम होगा। कजरी, कजरी, रात मानो कजरी ने हमारी जिंदगी को कोई श्राप दिया था। उस हादसे के बाद कभी हम चल नहीं पाए। उस गम में हमने जिंदगी में कभी शादी ना करने का फैसला किया। सालों बीत गए। गांव वालों से सुना कि कजरी अपनी औलाद को लेके कहीं वल्लभगढ़ के जंगलों में बस गई है और वहीं उसे पाल पोस के बड़ा किया है, और वो यही है बलराम बुलवा। ये 7 साल का था जब गांव में एक और मौत हुई और उसके आरोप में पुलिस वाले कजरी को गिरफ्तार करके ले गए थे, और उसका ये बेटा अकेला जंगलों में पलकर बड़ा हुआ। और साहब, आपकी इस कहानी को मैं समझ गया। ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें बेचारे बुलवा का क्या दोष है, क्यों फंसा रहे हैं इसको, क्यों इतना गंभीर आरोप इसके सर मन रहे हैं। अब भी आप नहीं समझे। गांव वाले कहते हैं डायन जब भी किसी को जन्म देती है तो वो दरिंदा पैदा होता है, आधा इंसान और आधा जानवर। अब इसका हुलिया तो देखिए, इसकी सकल सूरत, इसका ये भयानक रूप, सब गांव वाले डरते हैं इससे। इसलिए गांव वाले सालों से इसे आदमखोर बुलाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसे कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने किए पे पछतावा था। लेकिन अमृत की मौत के बाद तो मुझे भी लगने लगा कि कजरी का दिया हुआ श्राप उसका ये आदमखोर बेटा पूरा कर रहा है। अमृत को इसी ने मारा है ताकि मेरी जायदाद का कोई और वारिस ना बन सके। इसी ने मारा है अमृत को। देखिए जरा उसे, इसने आपकी जायदाद के लिए अमृत सिंह जी को मारा। इसने? जी हाँ, इसी ने। ऑर्डर, ऑर्डर योर ऑनर। इस प्रकार अदालत में ऐसी कहानी का आख्यान करके एक निश्चल व्यक्ति पर इतना गंभीर आरोप लगाना, ये कहाँ का न्याय है? आप ठीक कह रहे हैं। कही सुनी बातों के आधार पर और डायन दरिंदो के किस्सों के बलबूते पर न्याय नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ बलराम उर्फ बुलवा के खिलाफ पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उन्हें भी तो जुटलाया नहीं जा सकता। जी हाँ हुकुम साहब, ये ताबीज, ये कुल्हाड़ी और बुलवा की झोपड़ी से मिली ये घड़ी इस बात का सबूत है कि ये बुलवा चाहे वैशी दरिंदा ना हो लेकिन किसी दरिंदे से कम नहीं है। हुकुम चवा चाहता है। दरिंदगी तो उसने की है मिस्टर शेखावत, जिसने इस बेचारे को इस हत्याकांड में फंसाया, और हत्या जिसने की उसका नाम इस पन्ने पर लिखा हो। तेंदुआ योर ऑनर। यू श्योर मिस्टर केडी? आई थिंक आई एम मिस्टर शेखावत, मे आई कैरी ऑन? योर ऑनर, वल्लभगढ़ के जंगलों से 8 किलोमीटर की दूरी पर शीतलपुर के जंगल है, जहां वन विभाग के इस नवीनतम सूची के अनुसार 5 तेंदुए हैं। इन दोनों जंगलों के बीच में सतरा नदी है जो इस समय गर्मी के कारण सूखी हुई है। योर ऑनर, गर्मी के मौसम में नदी के सूखने के कारण शीतलपुर जंगल के जानवर वल्लभगढ़ के जंगलों में आ जाते हैं पानी की खोज में। ये हर प्रकार से संभव है कि वहां से एक तेंदुआ यहाँ आ गया हो, जिसके कारणवश पिछले 3 दिनों में ये गाय बकरी भेड़ मारी गई है और अंत में अमृत सिंह जी। नो मिस्टर केडी, ये नहीं हो सकता। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाँ, गुड क्वेश्चन, बट अ बेटर क्वेश्चन योर ऑनर, कि वन विभाग मंत्रालय की सूची के बाद क्या इस बात की गारंटी है
जो दलील शेखावत जी ने की थी कि वल्लभगढ़ के जंगलों में कोई आदमखोर नहीं, क्या इस बात की गारंटी है? ऐसा है तो हम तेंदुए के अटैक को रूल आउट नहीं कर सकते। अमर सिंह की लाश की दोबारा जांच की जाए। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बेल पर छोड़ा जाए। ठीक है, 24,000 के मुचल्ले पर बेल मंजूर की जाती है। और इस केस की अगली सुनवाई इस महीने के 19 तारीख को होगी। कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर द डे। अरे शेखावत जी सुनिए ना, अब मेरे नाम का राज खुले ना खुले, इस केस का राज बहुत जल्दी खुलने वाला है। सी ऑन द 19th। राजमाता, बहुत झूठ हो गया आपका, अब अगली गवाही में आप जेल में होंगे। रुकिए, हम देख लेंगे। अब भी वक्त है चाचा सर, हमें एक मौका दीजिए। इस रियासत को एक मर्द ही संभाल सके है, हम सब संभाल लेंगे। इससे भी जो इस रियासत के लालच में यह आपके खिलाफ आई है, चलो केडी, बुलुआ को जमानत तो मिल गई, अब होपफुली अगली सुनवाई में रिहाई भी मिल जाएगी। हाँ बेचारा टेंडुआ बंदी बनेगा। और ये डायन और दरिंदे की कहानी तुम्हें क्या लगता है? कहानी है सिर्फ, साफ बात है दवे, किसी ने पहले उस महिला को फंसाया और अब उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। कलयुग है ना, 70 करोड़ रुपयों के लिए लोग आजकल अपनी ईमान को ही नहीं भगवान को भी बेच देते हैं। क्या है सामने? रास्ते के बीच में पत्थर कौन रख गया यार? अजीब लोग हैं। उठा ना। केडी, 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 ये क्या हुआ? आपने क्या, आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि चेहरा ही नहीं देखा। ये आपके हाथ में खरोंच कैसे आई? वो पता नहीं अचानक कैसे लगा। केड़ी, मीठी गोली बुलवा खाता। हाँ, और दवे, अगर तुझे ये बात पता है तो बुलवा को जिसने फंसाया उसे भी ये बात पता होगी। जरा सोच, बुलवा मुझ पर हमला क्यों करेगा? मुझ पर हमला उस व्यक्ति ने किया है, जानवर के भेष में, जो नहीं चाहता कि मैं केस लड़ूं।
सिफारिश कुवासा से करे। आपने कभी इस परिवार का मान रखा है? बोलिए बोलिए ना, चुप क्यों है? आपने अपने अय्याशों के चलते अपने बाप दादा की इज्जत ही नहीं, वेली की मान मर्यादा भी दांव पर लगा दी। बस एक मौका दीजिए हमें राजमाता, कसम भवानी माँ की हम सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। बस एक बार चचा साहब हमें अपनी जिम्मेदारियों का बोझ सौंप दे, हम उन्हें वो बेटा बनकर दिखाएंगे जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। आप इस वंश के लिए राजमाता ही नहीं बल्कि देवी हो देवी। आपका कहा चचा साहब कभी नहीं टालेंगे। बस एक बार हमारी सिफारिश आप उनसे कर दीजिए, माँ के कहे पर उम्र भर चलेंगे, ये हमारा वादा है, वादा है हमारा। नहीं नहीं, हमसे ये नहीं होगा, हम रणवीर को अपना वारिस नहीं बना सकते। मुश्किल की घड़ी के समय सिर्फ अपना ही खून काम आता है अभिमन्यु बेटा। रणवीर ने हमें वचन दिया है वो इस हवेली पर हमारे खानदान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चचा साहब अब हम सुधर चुके हैं। बात वो नहीं है रणवीर, अमृत के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बाद हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ या परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ वैसा। तुम्हें वारिस बना के हम उस दरिंदे का शिकार नहीं बनाना चाहते। तो फिर आपका क्या इरादा है? वही जो पहले था, हम अपनी सारी जायदाद किसी इंसान के नाम नहीं बल्कि गिरजा देवी ट्रस्ट के नाम करते। 70 करोड़ ट्रस्ट के नाम? अभिमन्यु बेटा, पुरखों की इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को आप इस तरह से दान नहीं कर सकते। इस पर सबसे पहले आपके अपनों का हक है। पर राजमाता, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है बेटा, तो फिर कल ही वकील को बुलाकर वारिस रणबीर को करार दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। महिपाल जी, आपके चेहरे पर ये जो 12 बजे हुए हैं उससे ये साफ साफ पता चलता है कि आपने हमारे अंदर की बातें सुन ली है। जाइए, हमारे वकील को बुलवाइए यहाँ, कल सुबह चचा साहब को नई वसीयत बनवानी है। हेलो हेलो रणवीर साहब, बोलो। रणवीर नहीं, कुंवर जी बोलो। कुंवर जी के? बड़े कुंवर साने तन्ने वारिस बना दिया के? अब वल्लभगढ़ के राजा हम हैं हम, इसमें फायदा तुम्हारा भी है, ठेकेदारी बढ़ने वाली है तुम्हारी। पर होशियारी से तन्ने वो याद है ना श्राप, जो भी वारिस बना उसकी मौत। किस माय के लाल में हिम्मत है जो हम पर वार करे, अब बस मैं और तुम। इसके बीच में अगर कोई आया उसका इलाज है हमारे पास। ए, गाड़ी निकालो हमारी। जो भी उसके रास्ते में आया, यही हमारा इंतकाम।
किसने रखे रे पत्थर? हटाओ इसे, बल्लभगढ़ का राजकुमार है हम। कौन है वहां पे? सामने आओ, हिम्मत है तो। कौन है वहां पे? बल्लभगढ़ के कुंवर का हुक्म है, सामने आओ। ये आओ वरना आप। गया कहाँ है? कौन गिरा हुआ है? और वहां भी उस तरफ गया होगा। चल बुलवा, बुलवा, बुलवा। इस तरह से क्यों बैठे? बहुत बड़ी गलती की है तुझे छोड़ के। अरे को। अरे रुके, क्या कर रहे हैं आप? पहले अमृत और अब रणवीर। कुंवर अभिमन्यु रणवीर को अपना वारिस बनाना चाहते थे और उस रात रणवीर पर भयानक हमला हुआ। रणवीर ने अपनी बंदूक से हत्यारे पर गोली चलाई और वो गोली ये है जो पुलिस को बुलवा के हाथ में गड़ी हुई मिली। लेडी जी, अभी भी आपको लगता है कि ये काम किसी तेंदुए या भेड़िए का है? रणवीर की चलाई हुई गोली इस बात का सबूत है कि उसे इस बुलवा ने मारा है। बुलवा, बुलवा, न्यायाधीश महोदय को बताओ कि तुम पर गोली किसने चलाई? जब तुम पर गोली चली, तुम्हें गोली लगी, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे? बुलवा ये कहना चाह रहा है कि जिस समय से गोली लगी ये जंगल में लकड़ी काट रहा है, ये डर कर अपने घर की ओर भागा, जहां जब इसने पुलिस को देखा तो ये जंगल में जाकर छिप गया, जहां से पुलिस ने इसे पकड़ा। हाँ हाँ, आपको तो अभी भी इसका बयान सच्चा लगेगा। बुलवा का कहना झूठ होने का भी कोई कारण नहीं है मिस्टर शेखावत। योर ऑनर, इस जानवर ने मुझ पर भी हमला किया था, इसीलिए मैं जानता हूं कि ये जानवर बुलवा नहीं है। केडी जी, ये इंसान आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आई बात समझ में? नहीं नहीं मिस्टर शेखावत, मैं नहीं समझा। इस केस में ऐसी कई बातें हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा, जैसे कि मुजावर सिंह जी, इनकी बातें तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही मुझे। हमारी कौन सी बात समझ ना आ रही हुक्म? यही मुजावर सिंह जी, दोनों हत्याओं के बाद सर्वप्रथम आप घटनास्थल पर कैसे पहुंच गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने विरुद्ध सारे सबूत मिटाकर वहां बुलवा के विरुद्ध सबूत स्वयं वहां डाले हो? हो सकता है। कह रहे हो आप हुक्म? अरे हम जंगल के ठेकेदार हैं, अरे काम से हमारा जंगल का दौरा करना,
मैं क्या जानवर दिखूं? ना 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 ना, ठेकेदारी से याद आया। क्या रणवीर ने मृत्यु से पहले आपको ये वचन दिया था कि अगर वो कुंवर बन गया तो अपने दबाव से वो सारे ठेकेदारी का काम आपको दिलवा देगा, पुल, सड़कें इत्यादि इत्यादि सब कुछ आपको दिलवा देगा। जय, किसने कह दिया आपसे? आप ही के टेंडरों से जो मुझे रणवीर के घर से प्राप्त हुए। वो टेंडर रणवीर के द्वारा आप कुंवर साहब को भेजना चाह रहे थे ना? हुकम, इस तरह से रणवीर की मौत से तो मारो ही नुकसान से। आप केवल ठेकेदारी करते हैं या कभी वकालत भी? पर बात तो सही है। ये बताइए कि मृत्यु से पहले रणवीर ने जो अंतिम फोन किया था वो आपको किया था, क्यों किया था? हाँ हुकम, अपने वारिस बनने की खबर सुनाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ये खबर सुनाने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ मुजावर सिंह जी कि आप इकलौते बाहर वाले हैं जिसे इस बात की खबर थी। तो मन ने मार दिया उसको। देखो हुकम, यो सब इसका किया धरा है, पुलवा का। अरे ये डायन का बेटा है, अपनी माँ का बदला चुकारा से, रूप बदलने वाला दरिंदा से। यो जनाब, अगर ये दरिंदा है भी तो मुझे इससे कोई डर नहीं है। आप मुझे बस इसके साथ 2 घंटे छोड़ दो, मैं इसको उल्टा लटका के अपने डंडे से इससे सच उगलवा लूंगा। और अगर मैं ये नहीं करवा पाया तो मेरे मुंह में खाक भर देना जनाब। मुंह से याद आया, अपने मुंह में आप कुछ रखते हैं? अपने दांतों को खुरेदने के लिए टूथपिक में भी, मिस्टर फतेह सिंह? हाँ जी। तो ये रणवीर सिंह जी के मृत शरीर के पास ये टूथपिक पाया गया, आपका है? हाँ, तो वो जब हम लाश का पंचनामा करने गए थे तो तब हो सकता है बाकी राधी हो। नहीं 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 नहीं, जब आप पंचनामा करने गए थे तो ये टूथपिक आपके मुंह में नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही की अपनी पुलिस टीम कह रही है। वो मेरा हो ही नहीं सकता। वकील साहब, मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप मुझे क्यों लपेटे में ले रहे हो, जबकि सबको पता है कि ये इस शैतान का करार है। बस 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 फतेह सिंह जी, इनफ। योर ऑनर, इस स्वांग को यहीं समाप्त करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को बुलवाते हैं जिससे अधिक बुलवा को और कोई नहीं जान सकता, जो इतने वर्षों से कारागार में समय काट रही है, बुलवा की माता जी कजरी। इजाजत। समय का पहिया आज फिर वही आकर रुक गया है। एक बार फिर मारे साथ इतिहास दोहराया जा रहा है, मारे को डायन कहकर। हत्यारण बनाकर मारे को ये लोगों ने सजा दिलवा दी थी और आज मारे छोरे के साथ भी यही इल्जाम डाल रहे। अरे मारे साथ तो थारी दुश्मनी थी, लेकिन हुकुम, मारे छोरे ने क्या किया, इसे क्यों लिया यहाँ पे? ए कजरी कजरी, आज से 26 साल पहले तूने कुंवर अभिमन्यु सिंह को श्राप दिया था ना,
कि जब तक थारे बेटे को उसका हक नहीं मिल जाएगा वो कुंवर अभिमन्यु सिंह के हर वारिस से अपना बदला लेगा। दिया था कि नहीं? अरे ना ना, श्राप ना था, बद्दुआ थी, एक माँ के कलेजे से निकली हुई हाय थी। अगर मारे को पता होता कि मारे कुछ भी कहने से मारे छोरे पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तो कभी कुछ ना कहती, एक शब्द ना बोलती। कुंवर अभिमन्यु सिंह, थारे 100 झूठ बढ़ने से एक सच ना छुपेगा। बुलवा तारा छोरा है। तू भले उसके ना अपना, लेकिन उसको इस तरह सजा तो ना दे। अरे पर बल्लभगढ़ वाले तो शुरू से इसको आदमखोर कह के बुलाते हैं कि नहीं? ये इन लोगों की तरह ना है, आम आदमी की तरह ना दिखे, लेकिन क्या ये जाने है कि इसके हाल का ये कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है। क्या कहना चाह रही है? जब ये हमारे पेट में था और मारे को हवेली से निकाल दिया था तब मार का असर मारे पे नहीं, मारे बेचारे औलाद पे हो गया। ऐसा गहरा असर कि वो ऐसा पाए चिणकला। तो ये किसका कसूर है, मारा कि मारे छोरे का, कि मारी फूटी किस्मत का, कि इन लोगों का जो इधर बैठे, किसका कसूर? कुंवर अभिमन्यु सिंह, थारे से मिलना मारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तू कभी मारे प्यार को तो ना समझ पाया, लेकिन कृपा कर अपने छोरे के बेगुनाही से मुंह तो ना मोड़, उसे इस तरह सजा तो ना दिलवा। रजवानी जी, अब आप जा सकते हैं, कल सुबह ही नई वसीयत बना के ले आइएगा। जी कुंवर साहब, वसीयत तैयार हो जाएगी। जी। हमने फैसला कर लिया राजमाता, हम अपनी सारी जायदाद बलराम बुलवा के नाम कर रहे हैं। कजरी के साथ जो हमने अन्याय किया उसका बस अब यही एक प्रायश्चित है। क्या हो क्या गया है आपको? अब एक डायन के बेटे को? कजरी एक डायन नहीं है, ना ही उसका बेटा। मेरा बेटा एक दरिंदा। हम बहक गए थे, बस अब और नहीं। पर हुकुम, बुलवा तो जेल में है और जब तक केडी पाठक जी हैं, हमें उम्मीद है कि वो बुलवा को इस केस से रिहा करवा ही लेंगे। और अगर ना रिहा करवा पाए तो? ऐसा होकर रहेगा, कल ही वसीयत बदली जाएगी। बस अब और नहीं, बल्लभगढ़ में अब और मौतें नहीं होंगी। असली वारिस को उसका जन्म सिद्ध अधिकार मिलकर ही रहेगा। मैं सोच रहा था कि अमृत और रणवीर की मृत्यु से फायदा किसका है? केड़ी, इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा फायदा अनीता का ही है, जो तुम्हारे पास ही केस लेकर आएगी, क्योंकि वही इकलौती सगी रिश्तेदार बची है कुंवर की। हाँ, लेकिन जिस दिन कुंवर जी जाएंगे उस दिन से इस रियासत की कर्ता धर्ता राजमाता सिद्धि देवी होंगी। केड़ी, मुझे तो लगता है कि जो वारिस बनेगा वो मरेगा,
इसलिए जितना जल्दी हो सके कुंवर साहब को अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के हवाले कर देनी चाहिए। अब ट्रस्ट का कौन कौन करेगा? गिरिजा देवी ट्रस्ट। यार दवे, इस ट्रस्ट पर मुझे ज्यादा ट्रस्ट नहीं। पता लगा जरा कि इसके लॉकर की चाबियां और बैंक की चेकबुक्स किसके हाथ में रहती है। तुम इस वक्त यहां कैसे? लगता है नींद में इन्हें दिल का दौरा पड़ा और उठने से पहले ही कुंवर साहब की जान चली गई। जान चली गई या निकाल ली गई? This will know only after postmortem. ये दौरा नहीं, मर्डर है। अच्छा, आपको कैसे पता? इस तकिए पर कुंवर साहब की मूंछ के बाल है। जब इस तकिए से कुंवर साहब का मुंह दबाया गया तो जाहिर है कि कुंवर साहब ने उस हत्यारे से लड़ने की कोशिश की होगी और उसी हाथापाई में कुंवर साहब के हाथों में हत्यारे के बाल आ गए। वल्लभगढ़ का हत्यारा कोई जानवर या कोई दरिंदा नहीं है, कोई इंसान है, कोई बंदा या बंदी। वाह मिस्टर दवे, आपने ऑफ ड्यूटी होते हुए भी ड्यूटी में हमारी जो मदद की है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अब इस बाल के जरिए हम इस मर्डर के पीछे की खाल का पता लगा लेंगे। ये कैसे हो गया? कुंवर साहब ने तो मुझे आज सुबह बुलाया था। आइए वकील साहब, बाहर चलते हैं। जी, कुंवर साहब ने खुद कहा था मुझसे कि वो अपनी नई वसीयत अपने बेटे बलराम के नाम करना चाहते हैं और इसीलिए मैं अगली सुबह हवेली गया। लेकिन सर, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो क्या अब ये सारा धन, ये पूरी संपत्ति गिरिजा देवी ट्रस्ट को जाएगा? जी नहीं, हालांकि वारिस करार करने से पहले कुंवर यही चाहते थे कि सारा पैसा इसी फंड को मिले। ये गिरिजा देवी ट्रस्ट वही फंड है ना जो उन विधवाओं के लिए है जिनके पति पुलिस में नौकरी करते हुए मारे गए? जी हाँ, और इसका संचालन करते हैं यहाँ के प्रमुख नेता श्री रामचरण सिंह और पुलिस की ओर से उसे देखते हैं श्री फतेह सिंह जी। तो जब जाने वाले की न पत्नी हो, न पुत्र हो, न पुत्री, ऐसे में स्वतः बेटे की वारिस उसकी माँ बन जाती है। राइट राइट राजमाता जी। राजमाता जी, कल रात को आप कहाँ थी? मेरा पूछने का अर्थ ये है कि जिस समय कुंवर साहब की हत्या हुई उस समय आप कहाँ थी? हम अपने कमरे में थे और इससे पहले कि आप कुछ और कहें, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम सौतेले ही सही लेकिन कुंवर की मां थे। और एक मां अपने बेटे की जान लेना तो दूर, ऐसा सपने में भी कभी नहीं सोच सकती। वैसे भी कुंवर साहब की जान नींद में गई। अच्छा, ये किसने कह दिया आपसे? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है उसमें तो साफ साफ ये लिखा है कि जोर जबर से उनकी सांस रोकने के कारण हुई थी। और एक और बात, उनके मृत शरीर की हाथों में एक बाल पाया गया। योर ऑनर, वो बाल राजमाता जी का है। इन्होंने कुंवर साहब की हत्या की है इससे पहले कि कुंवर साहब किसी और को अपना वारिस घोषित करें। तुम इस वक्त यहां कैसे?
नहीं, हमने कुंवर अभिमन्यु सिंह को नहीं मारा। झूठ बोल रही है ये औरत। मुझे तो पहले से ही इन पे शक था, ये सब कुछ इन्होंने ही किया है। पहले तो मेरे भाई अमृत को मार दिया, फिर रणवीर को, और अब तो ये। नहीं, हमने ऐसे कुछ नहीं किया है। योर ऑनर, राजमाता जी ही हैं असल हत्यारिन। इन्हीं ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, इन्हीं ने बेचारे बुलवा को इन हत्याओं के आरोप में फंसाया। कहिए राजमाता जी, आपने किया या नहीं? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये राजमाता, काश ये दौरा हमारी जान ही ले लेता। कम से कम एक माह पर उसके बेटे के कत्ल का इल्जाम तो ना लगता। हम मारेंगे अभिमन्यु को। आप इस बात को दिल पर मत लीजिए राजमाता, ये किसी की गहरी साजिश है। कोई आपके वंश पर वार करना चाहता है, फंसाना चाहता है आपको। पर कौन? बुलवा, खजरी? लेकिन वो दोनों तो पुलिस की हिरासत में है। मेरे साथ कौन है जो इस हवेली के वारिस का दुश्मन है? जो भी है, ज्यादा दिन बच ना पाएगा। इससे पहले कि अब कुछ और हो, हम इस किस्से को यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए हमने राज विनय जी को आज रात ही बुलाया है वसीयत लेकर। अब हम कुंवर सा की आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। सारी जायदाद अब न गिरजा देवी ट्रस्ट के नाम होगी और न हमारे। अब हम उसे बुलवा के नाम करेंगे। ये आप क्या कह रही हैं राजमाता? हाँ महिपाल जी, हाँ, अभिमन्यु सही था। कजरी और बुलवा के साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय। ये हमसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सब हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। काश काश हम इतिहास बदल सकते हैं, काश सब कुछ ठीक हो सकता। किड़ी कुंवर की मौत के बाद अब बुलवा पर से शक हट जाएगा। जज को लग रहा होगा कि इस सबके पीछे किसी और का हाथ है। बुलवा पर से शक तभी हटेगा तबे जब असल खिलाड़ी सामने आएगा। ये केस भी इस शतरंज के खेल की तरह हो गया है। शतरंज की बिसात का सबसे ताकतवर मोहरा रानी, और जब तक रानी है तब तक शह देना बहुत कठिन। ठीक तो है ना? वो अंदर अंदर वो जानवर तरिंदा। चल के देख, चल देख के आओ। चलो अंदर तो कोई भी नहीं है। महिपाल जी कहाँ है? जाकर उन्हें सावधान करो, जल्दी। जो हुकुम राजमाता। महिपाल जी, महिपाल जी,
शंभू क्या होया? हवेली में दरिंदा घुस आया। क्या राजमाता और ठीक से है? जी लेकिन माने ना पता ये मारे कमरे में भेज कहां से आया? ये मारा ना है। क्यों महीपाल जी, फिर क्यों? जब राजमाता जी पर हमला हुआ आप वहां उपस्थित थे, जब कुंवर साहब की हत्या हुई तब भी आप वहां उपस्थित थे, क्यों? हाँ, लेकिन माने किसी को ना मारा। कुंवर साहब और इस हवेली का पुराना वफादार सू, अरे बाप दादा ने सेवा की है इस वंश की, फिर भला मैं अपने ही अन्नदाता को क्यों मारूंगा? हाँ, आप कुंवर साहब के पुराने वफादार हैं, इसीलिए तो कजरी और बुलवा के सबसे कड़े विरोधी आप ही थे। आप ही ने कजरी को डायन और बुलवा को तरिंदा साबित करने का पूरा प्रयास किया है। कहीं इसी वफादारी के चलते बुलवा को फंसाने के लिए आपने ये सब किया हो, कहीं इसी वफादारी के चलते आपके कुंवर साहब की जान गई हो। आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब, कजरी को फंसाने के पीछे मारा और राजमाता का ही हाथ है। आज से 26 साल पहले पल्लवगढ़ में जो खून टूटे पुल के हादसों की वजह से हुआ, हमने उनका फायदा उठाकर कजरी को डायन बनाकर उसके घर में टोने टोटके का सामान डलवाकर कजरी को फंसा दिया। महीपाल जी कृपया कर अदालत को बताइए कि ये सब आपने क्यों किया। क्योंकि कुंवर साहब कजरी के प्यार में अंधे हो गए थे, अपने कुल और खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया था उन्होंने एक बंजारन के लिए जो राजमाता को मंजूर नहीं था और मुझे भी। आपके इस सच से कजरी जी के खोए हुए साल लौट कर तो नहीं आ सकते, किंतु आपके सच बोलने से कजरी के बेटे बुलवा की जान बच सकती है, उसे न्याय मिल सकता है। बोलिए महीपाल जी, सच बोलिए। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा वकील साहब। तो फिर ये दरिंदे का चोगा आपके कमरे में क्या कर रहा था महीपाल जी? माने कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। चाहे तो किसी की भी स्वागत ले लीजिए, हमने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा जैसा, किसी को नहीं मारा। महीपाल जी मैं चाहता हूँ कि आप छोटा सा मेरा काम करें, ये लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लिखें इस पर कि मैं हत्यारा नहीं हूं, लिखिए। बस काफी है। एडी जी किस सोच में पड़ गए? चलिए मान लेते हैं महीपाल जी कि हत्या आपने नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपको किस पर शक है, क्या लगता है आपको, कौन अंतिम बार कौन आया था आपके कक्ष में आपसे मिलने? आया तो बस एक ही आदमी था, बुलवा के केस के बारे में हमें पता नहीं, और वो थे इंस्पेक्टर फतेह सिंह। क्या ये संभव नहीं कि फतेह सिंह जी ने ही ये चोगा आपके कक्ष में रखा हो? संभव है। आइए फतेह सिंह जी, गड़गड़ाइए। जनाब ये महीपाल झूठ बोल रहा है,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि इसी ने राजमाता पे हमला भी किया था। योर ऑनर, इस केस में मारे गए व्यक्तियों की तस्वीरों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार से उनकी गर्दनों पर खरोंच के निशान किए गए, ये केवल एक बाएं हाथ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और इस केस से जुड़ा हर व्यक्ति एडीसी महिपाल जी समेत राइट हैंडेड है, यानी कि दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। आप फतेह सिंह जी कौन से हाथ का प्रयोग करते हैं? जी मैं भी दाया हाथ ही प्रयोग करता हूं। पक्का? चलिए तो इस पैड पर आप अपना नाम लिख कर। क्या हुआ, नाम याद नहीं आ रहा? क्या नाम है आपका? फतेह सिंह। योर ऑन। जी जी फतेह सिंह जी, गंदी हस्तलेख है आपकी। फतेह सिंह जी, या तो वाकई आपकी हस्तलेख गंदी है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अदालत को गुमराह करने के लिए आपने दाहिने हाथ से अपना नाम तो लिख दिया, लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन की बारी आई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, तब आपने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, जिसका यह अर्थ होता है कि आप बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, आप लेफ्ट हैंडेड हैं। देखो, आप एक अफसर को एक्यूज लगा रहे हो। मैं लेफ्टी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कातिल हूं। तो फिर आप एक अफसर होकर अदालत में झूठ बोल सकते हैं कि आप दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं? क्यों झूठ बोला आपने? जनाब, वो मैं थोड़ा डर गया था। डरना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप ही हैं वल्लभ गढ़ के वो दरिंदे, तो पकड़े गए तो डरेंगे ही। क्या सबूत आपके पास? ना किसी ने देखा है क्या मुझे मारते हुए? बोलो। देखिए केडी पाठक जी, बिना गवाह और बिना सबूत के एक सरकारी अफसर पर इल्जाम लगाना एकदम गलत है। आई बात समझ में? यस केडी, तुम्हारे पास कोई गवाह है? मेरे पास चश्मदीद गवाह है, जिसके कारण हम सब यहाँ अदालत में उपस्थित हैं। बुलवा। बुलवा, तुम पर जिसने गोली चलाई, तुमने उसे देखा था ना? किसने चलाई थी तुम पर गोली? बुलवा, तुम पर गोली किसने चलाई थी? योर ऑनर, चश्मदीद गवाह का यह कहना है कि इन पर फतेह सिंह जी ने गोली चलाई थी। फतेह सिंह जी, पर इसने तो किसी को देखा ही नहीं था। यह आपका भ्रम है फतेह सिंह जी। आप जब जंगल में छिपे हुए थे तो बुलवा ने आपको गोली चलाते हुए देखा था। ये झूठ बोल रहा है, मैं वहां जंगल में था ही नहीं। बुलवा ने आपको स्पष्ट रूप से जंगल में देखा है। आप ही ने रणवीर सिंह की गन चुराई, इस पर गोली चलाई, आप ही ने रणवीर की हत्या की है। देखो वकील साहब, अब आप कुछ भी बोले जा रहे हो, जब मैं कह रहा हूं कि इसने मुझे देखा ही नहीं वहां पर। इसने वहां आपको देखा है, आप जंगल में थे,
जनाब जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं वहां जंगल में जब था ही नहीं, और ये सब मैं क्यों करूंगा जनाब? कुंवर सिंह की 70 करोड़ की संपत्ति किसी वारिस को न जाकर गिरिजा देवी ट्रस्ट को जाए, इस कारण। लेकिन हुकुम साहब, इनका उस ट्रस्ट से क्या लेना देना? पुलिस विडो फंड है योर ऑनर, जिसके चालक फतेह सिंह जी है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो ट्रस्ट तो रामचरण सिंह जी का है। हाँ, रामचरण सिंह जी का यही कहना है कि आपने रामचरण सिंह जी के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा, ताकि 70 करोड़ की वो संपत्ति को लेकर आप दोनों लापता हो जाए यहां से। क्या ये सही है या नहीं? लेकिन ये आपको किसने कहा? अरे रामचरण जी ने पुलिस को बयान दिया है, आप ही की टीम को बयान दिया है, आपको पता नहीं? हाँ, लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं था, ये सारी प्लानिंग उसी की थी। हाँ, प्लान उन्हीं का था, लेकिन इसमें आप भी तो शामिल थे या नहीं? हाँ था। हत्या आपने की या नहीं? उनके कहने पर ही की हो, आपने की या नहीं? हाँ की। अब गोली खाई या नहीं आपने? गोली मतलब जो गोली मैंने आपको खिलाई, वो गोली आप निकल गए। वास्तविकता में रामचरण सिंह जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लीजिए एक और गोली खाइए, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। लीजिए मुंह का स्वाद अच्छा करने के बाद मैं जरा बाकी की कहानी न्यायाधीश महोदय को सुनाई। कुंवर अभिमन्यु सिंह अपनी करोड़ों की जायदाद गिरिजा देवी ट्रस्ट को सौंपना चाहते थे। जब ये बात सामने आई तो मैंने और रामचरण सिंह ने ऐलान बनाया कि जैसे ये जायदाद हमें मिलेगी, हम फरार हो जाएंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, कुंवर ने अपना इरादा बदल दिया और उन्होंने अपनी जायदाद अमृत को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैंने सोचा कि उसी पुराने श्राप का फायदा उठाया जाए, कजरी और बुलवा। मैंने एक नकली जानवर का भेष बनाया और अमृत को मार दिया, और उसका इल्जाम बुलवा पे लगा दिया। लेकिन जनाब, फिर इस केडी पाठक ने बुलवा को जमानत पर रिहा करवा दिया, और इधर रणबीर को जायदाद का वारिस बनाना चाह गया। हमने फिर वही पुराना तरीका अपनाया और रणबीर को मार दिया। रणबीर की गन से फिर हमने बुलवा को जख्मी कर दिया। उसके बाद हमें लगा कि सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी, लेकिन फिर हमें वकील रजवाणी ने बताया कि ये तो वसीयत बुलवा के नाम करने की तैयारी की जा रही है। तो बस हमने उसी रात को सबसे पहले कुंवर को मार दिया। और बड़ी सफाई से मैंने कुंवर के नाखूनों से अपना बाल निकालकर राजमाता के बाल उसमें डाल दिया। लेकिन जब राजमाता ने भी वही निश्चय किया जो कुंवर ने किया था, तो मैंने उन्हें भी मारने की नाकाम कोशिश की। और उससे पहले मैंने एक दरिंदे का भेष
महिपाल जी के कमरे में छुपा दिया। ताकि अगर बुलवा बच भी जाए तो शक उन पर जाए, मुझ पर नहीं। आपके राइट हैंडेड ना होने के कारण आपका प्लान रॉन्ग हो गया फतेह सिंह जी। इतना तो सोचना चाहिए था कि जो वर्दी आपको लोगों की रखवाली करने के लिए दी गई थी, उसी वर्दी में आपने उन्हीं की जान ली। आम नागरिक किस पर विश्वास करेगा? प्रतिपक्ष यहीं थमता है योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट्स। यह अदालत इंस्पेक्टर फतेह सिंह को अमृत सिंह, रणवीर सिंह और कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और साथ ही साथ कजरी देवी के खिलाफ झूठी गवाही देने के जुर्म में महिपाल सिंह और राजमाता सिद्धि देवी को भी हिरासत में लेने का हुक्म देती है। यह अदालत कजरी से सहानुभूति रखते हुए उसे भारी हर्जाना देने का वायदा करती है और उसे और उसके बेटे बुलवा को हर इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। एडी जी, अब आई बात समझ में। तेरी की, आपके नाम का फुल फॉर्म जानने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। चिंता की कोई बात नहीं शेखावत जी, ये मौका कईयों से छूटा है पहले भी। चलिए केडी ना सही, के का ही फुल फॉर्म बता दीजिए, ओनली के। किसी विद्वान ने कहा था शेखावत जी कि अधूरी जानकारी अज्ञानता से अधिक खतरनाक होती है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस। फिर कभी। थैंक यू। सच कहते हैं, मां के प्रेम से बढ़कर इस जग में और कुछ नहीं।